लास्ट टाइम जो चीज हमने स्टडी की थी दैट वाज एंथैल्पी, और उसमें हमने उसकी इक्वेशन जो है वो डिराइव की थी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और फिर हमने उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी सोल्व की थी. नाउ यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी वेरी क्लियर इन योर माइंड. नाउ इस टॉपिक में हमने डिफरेंट एंथैल्पीज को स्टडी करना है कि एंथैल्पी डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी होती हैं. तो देर आर टोटल सिक्स एंथैल्पीज विच आर डिस्कस्ड इन योर बुक, उनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स, एंड यू मस्ट नो ईच एंड एवरी वन ऑफ देम क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो गोइंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट वन, वो है जी आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन अगर आप बात करें तो रिएक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एंडोथर्मिक इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड. रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए होती है. सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक, जिसके बारे में आपको पता है कि इसके अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है. अब हम इनको सेपरेटली स्टडी करते हैं. लेट मी टॉक अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन फर्स्ट. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि हीट जो है वो निकल रही है बाहर. अब हीट जो है वो निकल रही है बाहर, तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट्स हैं, ये मिलके बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, और रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के अमल में जो चीज़ बाहर निकल रही है दैट इज़ एनर्जी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा एच है हमारे पास रिएक्टेंट्स की, दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑफ द प्रोडक्ट्स. कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी, डेल्टा एच की ज़्यादा होगी, तभी तो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है. अगर इनकी कम होगी और इनकी ज़्यादा होगी तो फिर एनर्जी तो निकल नहीं सकती. तो यहाँ से ये समझ आया कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इस तरह जैसे कि डायग्राम आपके बुक में बनी हुई है, तो ये अगर एंथैल्पी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट्स आपके ऊपर होंगे और प्रोडक्ट्स आपके नीचे होंगे. रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ज़्यादा है, ग्रेटर है, ये इस जगह पे, ये यहाँ पे, और ये जो डिफरेंस है ये वाला, दैट इज़ द डेल्टा एच जो कि इस रिएक्शन के नतीजे में बाहर निकलेगी और जिसको हम माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. अगर 100 है तो हम कहते हैं ये माइनस 100 किलो जूल. तो दिस इज़ द डेल्टा एच जो कि हम लॉस ऑफ एंथैल्पी हुआ, जिसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये होगी साइंस आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की. गोइंग फॉरवर्ड टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन, के एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो जब कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में तो दे वांट एनर्जी. एनर्जी इज नाउ एडेड. अब जब एनर्जी ऐड हो रही है तो इसका मतलब है कि इसकी जो सी डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स थी दैट वाज लेस देन द डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स. क्योंकि कम थी, इसने बाहर से ये वाली एनर्जी ऐड की, तब उसकी डेल्टा एच बढ़ के प्रोडक्ट्स के लेवल तक पहुंची. इसको अगर उस डायग्राम पे बनाएं तो दिस इज द डायरेक्शन इन विच एनर्जी एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग. डेल्टा एच इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है. यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ज़्यादा है तो दे आर लाइंग हेयर, एंड रिएक्टेंट्स की कम है तो दे आर लाइंग हेयर. और ये जो सा डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ये पॉजिटिव साइन से हम शो करते हैं. ये जो डेल्टा एच है ये पॉजिटिव होता है, मतलब सिस्टम को एनर्जी हमें देनी पड़ रही है. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में एंथैल्पी का चेंज इस तरह से होगा. नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी इन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू डिफाइन देम कि आपके पास जो है वो
इंथालपीज जो सी हैं वो कैसे अमल में आती हैं। अब हम इंथालपी ऑफ रिएक्शन को जो है वो डिफाइन करने की पोजीशन में आ चुके हैं। इंथालपी ऑफ रिएक्शन, इंथालपी ऑफ रिएक्शन क्या है? वो ये है जी कि इट इज़ द इंथालपी चेंज, जो कि अभी हमने स्टडी किया, पॉजिटिव या नेगेटिव जो होता है, दैट इज एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, विच अकर्स व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स, एक खास अमाउंट जो सी है मोल्स की, किसके ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के खास अमाउंट ऑफ मोल्स जो उनसे हैं वो जब मिलें टू फॉर्म अ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इंडिकेटेड कैसे किया जाए, एज इंडिकेटेड बाय देयर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास तमाम मोल्स मिलके कम्प्लीटली, मतलब अगर ये मैं इक्वेशन लिखता हूँ वाटर फॉर्मेशन की, 2H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2 हो, तो इसके अंदर तीन मोल इन दोनों के कम्प्लीटली आपस में रिएक्ट करके दो कम्प्लीट मोल ऑफ वाटर बना रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन से हमारे पास जो कम्प्लीटली प्रोडक्ट्स मिलती हैं अंडर कंडीशंस भी यहाँ पे आपने मेंशन करनी है, अंडर दी स्टैंडर्ड कंडीशंस। जब भी वर्ड स्टैंडर्ड कंडीशंस आएगा यू मस्ट नो कि आपके पास 25 डिग्री सी, जिसको हम रूम टेम्परेचर, या 298 केल्विन और 1 एटीएम, जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे एयर का प्रेशर होता है, वो दो ज़्यादा स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब एक ख़ास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मिले और एक ख़ास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए, जैसा कि आपकी केमिकल इक्वेशन से इंडिकेट हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी का चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन आपको याद, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको रटा लगा लेते हैं, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड इट बाय द कॉन्सेप्ट के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो है क्या। जब भी एंथैल्पी की बात होगी तो वी विल रिप्रेजेंट इट इन किलो जाउल्स पर मोल। इसी तरह आपकी बुक में वो बात करता है 2H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2O, और आपके पास डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन आती है -285.8 किलो जाउल पर मोल। यहाँ पर एक और बात भी आपने याद रखनी है कि जब भी एंथैल्पीज के केस में आप एग्जांपल दें रिएक्शन की, तो उनकी जो फिज़िकल कंडीशन है, फिज़िकल स्टेट, वो लाजमी मेंशन करें। जैसे कि H2 इज़ इन गैसियस स्टेट, O2 भी गैसियस फॉर्म में है, और ये मिलके क्या बनाएंगे, लिक्विड वाटर बनाएंगे। तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड कि आपने जब भी एंथैल्पीज की एग्जांपल देनी है यू नीड टू मेंशन देयर फिजिकल स्टेट्स, और ये जो है दिस इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ वाटर। तो ये पहली एंथैल्पी थी जो कि एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन थी। गोइंग ऑन टू द सेकेंड एंथैल्पी, वो है जी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि रिएक्शंस जो से हैं दे कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, कुछ के अंदर कुछ चीज़ें बन रही होती हैं, कुछ के अंदर कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं, तो वो केस जिनमें कोई ना कोई चीज़ बन रही होगी वो उसकी एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट जो कि क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, या कि वो एब्जॉर्ब हुई है या वो इवॉल्व हुई है, व्हेन, कब, व्हेन वन मोल ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का एक मोल जो होता है इज फॉर्म्ड, वो बना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स।
जब भी एक मोल किसी चीज़ का बनेगा तो उस बनने के प्रोसेस में जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी दैट विल बी कॉल्ड एज दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करता हूँ तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलना है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, दिस इज़ इन दी गैसियस फॉर्म, एंड ये मिलके आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा जो कि सॉलिड होता है। हो क्या रहा है कि एक कंपाउंड बन रहा है, फॉर्म हो रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। तो इसकी जो एंथैल्पी हम लिखेंगे वो एंथैल्पी क्या होगी, दैट विल बी डेल्टा एच इंटू एफ। ये स्मॉल एफ जो होगा ये बताता है कि इट इज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और ये कितनी होती है MgO की, इट इज़ -692 किलो जाउल पर मोल। तो दिस इज़ दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता हूँ फ्रॉम कार्बन, तो कार्बन इज़ सॉलिड, ये ऑक्सीजन से मिलेगा जो कि गैस फॉर्म में है, एंड इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कोयला हम जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाती है। एंड डेल्टा एच एफ जो होगी फॉर्मेशन, वो आपकी बुक में मेंशन है -393.7 किलो जाउल पर मोल। तो दिस इज़ दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हर कंपाउंड जो बनता है उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपके पास जो है वो मौजूद होती है। गोइंग ऑन टू द थर्ड वन, वो है जी आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन आपके नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे प्रोसेस जिसमें एटम्स जो से हैं वो बन रहे होंगे। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज़ डिफाइंड एज द इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हीट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड और कब एब्जॉर्ब होगी, व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस एटम्स आर फॉर्म्ड अंडर दी स्टैंडर्ड कंडीशंस। आपने जब भी एक मोल ऑफ एटम्स का गैसियस फॉर्म में बनाना है तो उस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो एटमाइजेशन होगी। नॉर्मली हम डेफिनेशन में लिखते हैं हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एब्जॉर्ब लिखा है। क्यों? क्योंकि एटमाइजेशन इज़ द प्रोसेस जिसके अंदर आपने एक चीज़ को तोड़ना है और उसके एटम्स में कन्वर्ट करना है, और जब भी तोड़ेंगे तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, एनर्जी सिस्टम में एब्जॉर्ब होगी, इवॉल्व होने का तो चांस ही नहीं है। लिहाजा वी रोट हेयर अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो इसकी एग्जांपल अगर मेरे पास H2 का मॉलिक्यूल था जो कि गैस फॉर्म में था, मैंने इसको तोड़ा और एक अकेला जो सा है एटम की शक्ल में आ गया, तो दिस इज़ द प्रोसेस जिसको हम एटमाइजेशन कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट, नॉट तो सबके साथ आएगा रिएक्शन के लिए, एंड दिस इज़ At। इसके यहाँ पे हम At लिख देते हैं, At इज़ फॉर एटमाइजेशन। तो डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन फॉर हाइड्रोजन इज़ 218 किलो जाउल पर मोल, एंड पॉजिटिव साइन इज़ शोइंग कि एनर्जी इज़ बीइंग एब्जॉर्ब। तो ये हमने अभी जो है आज के टॉपिक में ये तीन एंथैल्पीज जो हैं वो स्टडी की हैं। कौन कौन सी एंथैल्पीज, सबसे पहली हमने देखी रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नंबर वन, नंबर टू हमने देखी थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के जब एक मोल किसी कंपाउंड का अपने एलिमेंट से मिलके बनता था, एंड थर्ड वन जो हमने आज के इस टॉपिक में देखी है दैट इज़ दी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में रिमेनिंग थ्री एंथैल्पीज को जो है उनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स जो है वो
स्टडी करेंगे, तो इन तीन एंथैल्पीज के ऊपर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के एक नंबर के क्वेश्चन में या दो नंबर के क्वेश्चन में जो है आपसे पूछ लिया जाता है. तो यू हैव टू गिव द प्रॉपर डेफिनेशन अलॉन्ग विद वन एग्जाम्पल. तो नेक्स्ट टाइम जो है हम अपनी बाकी की तीन जो सी रह गई हैं डिफरेंट एंथैल्पीज वो स्टडी करेंगे.